नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सैटरडे है आज, बट ठीक ठाक न्यूज है, आज न्यूज कम नहीं है। कौन कौन सी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं? तो भैया, सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की प्लियां हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इनको क्लब किया है। जितने भी हाईकोर्ट के पास ये पेंडिंग है, क्लब करके अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। ये पूरी की पूरी न्यूज क्या है, सेम सेक्स मैरिज क्या इंडिया के अंदर लीगलाइज हो सकती है, इसके बारे में बड़ा ही अच्छा व्यू पॉइंट यहाँ पे इसको देखेंगे। फिर जो कुकी चिन रिफ्यूजीज बांग्लादेश से भाग के मिजोरम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं हमारी जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉयड, इसने रोक दिया है। इसके क्या अलग अलग फैसिलिट्स हैं, उन अलग अलग फैसिलिट्स को यहाँ पे पेरूज करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार का व्यू पॉइंट, बांग्लादेश का व्यू पॉइंट, यहाँ पे जो लोकल मिजो लोग हैं इनका व्यू पॉइंट सब देखेंगे। फिर अटॉर्नी जनरल के हिसाब से एक स्टेटमेंट दिया गया रिसेंट सुप्रीम कोर्ट में कि कॉलेजियम के द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट टाइमलाइंस फिक्स की जाती हैं उस पर केंद्र की सरकार फंक्शन करेगा, केंद्र की सरकार उसको वायलेट नहीं करेगा। बट ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, कई बार जो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन गई है उसकी टाइमलाइंस को केंद्र की सरकार ने फॉलो नहीं किया, ये क्या है इसको देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही कमेटी को बताया कि जल्दी ही रोड सेफ्टी के ऊपर 2 हफ्ते के अंदर फ्रेमवर्क को बनाओ, ये क्या है इसको देखेंगे। पारसनाथ हिल्स में जैन कम्युनिटी ने जो प्रोटेस्ट किया था उस बात को लेके केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने उसकी बात, उनकी बात मानी, लेकिन उसके बाद अब इन पारसनाथ हिल्स के ऊपर क्लेम कर रही एक नई कम्युनिटी, संथल कम्युनिटी, ये मुद्दा क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ILO की एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, रिमोट वर्क को लेके COVID-19 के समय पे, ये क्या है इसको देखेंगे। तो ये तो हो गए अब करंट अफेयर्स के आर्टिकल। एडिटोरियल्स में इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एक आर्टिकल, पॉलिटिकल पार्टीज और कंपनीज में क्या फर्क है इससे रिलेटेड एक आर्टिकल, अनहैप्पी न्यू ईयर अ ब्रीफ रिस्पाइट इससे रिलेटेड, जो चार आर्टिकल्स हैं। सैटरडे को वैसे भी चार आर्टिकल्स होते हैं, आज चार हैं, एक दो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चारों आर्टिकल्स के डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब लेक्चर को शेयर करें। जितने ज्यादा लोग सब लेक्चर को शेयर करेंगे उतना ही यूट्यूब के एल्गोरिथम इन लेक्चर को प्रमोट करेगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, लीव आउट इन द कोल्ड। लीव आउट इन द कोल्ड मतलब टू बी इग्नोर्ड और नॉट कंसीडर्ड, मतलब अब सेंटेंस में मतलब देखिए इसका, नॉट बीइंग इनवाइटेड टू एनी ऑफ द मीटिंग्स लेटली हैज मी फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे किसी पर्टिकुलर मैटर में इंक्लूड ही नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरऑल 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, तो 3-4 लोग मूवी देखने चले गए, 5वें 4थे को छोड़ दिया, तो बोलेंगे यार लेफ्ट अस आउट इन द कोल्ड, मतलब हमें छोड़ दिया, हमें इग्नोर कर दिया, हमसे पूछा ही नहीं, समझ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, GS पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इटसेल्फ पिटीशन सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। देखिए बहुत सारे अलग अलग हाई कोर्ट में पिटीशंस पड़ी हुई हैं जिनके अंदर सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में अलाउ करने की बात की जा रही है, उसको एक्चुअली में लीगल रिकॉग्निशन देने की बात की जा रही है। सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। इसके बाद सेम सेक्स रिलेशन तो देखो इंडिया के अंदर अलाउड है, मतलब एक लड़का एक लड़के के साथ रिश्ते बनाता है, एक लड़की के साथ रिश्ते बनाती है, तो कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है, ना सरकार ना मेरे आपके जैसे लोग। हम लोग अगर अपने दिमाग में कंजर्वेटिव है तो अपने तक रखो, वो उनकी आइडेंटिटी है, वो जो करना चाहे करें। लेकिन वो अब ये बोल रहे हैं कि हमको भाई शादी करने का भी अधिकार दो। जिस प्रकार से एक लड़का लड़की से शादी कर सकता है, उसी प्रकार से एक लड़का लड़के से और एक लड़की लड़की से भी शादी कर सके। और इसीलिए बहुत सारे कोर्ट्स में ऑलरेडी पिटीशन पड़ी हुई है। अब चूंकि अलग अलग हाई कोर्ट्स में बहुत सारी पिटीशन हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक 3-जज बेंच ने, जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, सेम सेक्स मैरिज पे, एक अथॉरिटेटिव जजमेंट की जरूरत है। इसलिए सारे हाईकोर्ट का मुद्दा हम अपने पास ट्रांसफर कर रहे हैं। और मुद्दा यहां पे ये है कि क्या सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर लाना चाहिए। अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात की जाए, देखिए इंडिया के अंदर अगर आपको अपनी शादी रजिस्टर करनी है तो आप बहुत से अलग अलग एक्ट्स के अंदर अपनी शादी रजिस्टर कर सकते हो। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, इसमें हिंदूज अपनी शादी रजिस्टर करते हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1954, उसमें मुस्लिम्स अपनी शादी रजिस्टर करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे इंटरफेथ हो, चाहे एक जैन एक क्रिश्चियन हो, आप अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में थोड़ा बहुत धर्म से रिलेटेड प्रोविजन वाली बात आ जाती है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पूरी तरीके से न्यूट्रल है। तो ये जो सेम सेक्स कपल शादी करना चाहते हैं वो अपनी रिक्वेस्ट को लेके पहुंचे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कॉन्टेक्स्ट में। इनका सीधा ये बोलना है कि भाई हम पर्सनल लॉ के अंदर अपनी शादी रजिस्टर नहीं करना चाहते, हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो कि एक न्यूट्रल लॉ है, एक सेक्युलर लॉ है, इसके अंदर अपनी शादी रजिस्टर करना चाहते हैं।
अब SMA को सेक्युलर भी बोला गया, न्यूट्रल भी बोला गया। देखिए जेंडर न्यूट्रल खासकर, सेक्युलर इन द कंटेक्स्ट की देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट तब न्यूज में था जब ओवरऑल इंटरफेथ शादियों की बात हो रही थी, जैसे हिंदू लड़के की मुस्लिम लड़के से, हिंदू लड़के की मुस्लिम लड़की से, इस प्रकार की जब शादियां होती हैं तब SMA प्ले में आ जाता है, क्योंकि SMA के अंदर आप सेक्युलर मैरिजेस को रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन SMA के अंदर बहुत सारे आप कह लो कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल SMA का सेक्शन 6 और सेक्शन 7। तो सेक्शन 6 ऑफ द 1954 SMA एक्ट क्या बोलता है कि भाई जो मैरिज ऑफिसर है ना वो एक नोटिस निकालेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़का लड़की जाते हैं दोनों अलग फेथ के हैं मैरिज ऑफिसर के पास SMA एक्ट के अंदर शादी रजिस्टर करने के लिए, तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द SMA एक्ट वो पर्टिकुलर मैरिज ऑफिसर एक नोटिस निकालेगा कि हाँ भाई इनकी शादी हो रही है और 30 दिन के अंदर उस नोटिस तक जवाब आने चाहिए। सेक्शन 7 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर उस नोटिस पे ऑब्जेक्शन आते हैं तो उस केस में जब तक वो ऑब्जेक्शन रिजॉल्व नहीं हो जाते तब तक शादी रजिस्टर नहीं करेगा कौन, मैरिज ऑफिसर। अब इस बात को लेके जो सेम जो इंटरफेथ कपल, अभी मैं सेम सेक्स कपल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरफेथ कपल्स की बात कर रहा हूँ, तो जो इंटरफेथ कपल्स हैं उनका बोलना है, जैसे एक लड़का हिंदू है एक लड़की मुस्लिम है, तो उस कंटेक्स्ट में अब अलग अलग धर्म के लोगों की शादी हो रही तो घर पे तो बवाल होने के चांसेस पूरे हैं, भाई लड़के लड़की वाले बोलेंगे कि क्या अलग धर्म में शादी कर रहे हो। तो उस कंटेक्स्ट में अगर 30 दिन का समय नोटिस दे दिया गया तो लड़के लड़की की जान पे भी आ सकती है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश बिहार जैसे लोगों में लोग कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव हैं, मारने पर उतर आते हैं। तो उस केस में बहुत सारे कपल्स इंटरफेथ वाले पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, कि साहब ये जो 30 दिन की कंडीशन है ना छापने की ये आप मत रखिए, समझ गया आप बात को। तो ऑलरेडी इंटरफेथ मैरिज के रिस्पेक्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के ऊपर एक बवाल ऑलरेडी चल रहा है कि क्या इंटरफेथ मैरिज के रिस्पेक्ट में ये जो 30 दिन का नोटिस देना है ये मैंडेटरी है, एक बात तो ये निकल के आती है। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, अलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है ना, ये 2021 के लगभग का है। अलाहाबाद हाईकोर्ट ऑलरेडी ये बोल चुका है कि भाई SMA एक्ट के अंदर सेक्शन 6 के हिसाब से 30 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी नहीं है। अब अलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब आप कह लो उत्तर प्रदेश के अंदर SMA एक्ट के अंदर जब एक मैरिज ऑफिसर शादी रजिस्टर करेगा तो अलाहाबाद हाईकोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से वो 30 दिन का नोटिस अगर ना देना चाहे सेक्शन 6 ऑफ द SMA एक्ट के अंदर तो वो ना दे, उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है अलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट पूरे देश में एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर दिल्ली में बैठा हुआ कोई SMA का ऑफिसर है ना वो सेक्शन 6 के अंदर 30 दिन का नोटिस निकाल देगा, तो इस कंटेक्स्ट में दिल्ली में भी पहुंचा था केस। तो ऑलरेडी एक लीगल बैटल SMA एक्ट 1954 के रिस्पेक्ट में चल रहा है कि जो इंटरफेथ कपल्स हैं, मुस्लिम की हिंदू से हो रही है, हिंदू की क्रिश्चियन से हो रही है, क्रिश्चियन की जैन से हो रही है, ओवरऑल पारसी की मुस्लिम से हो रही है, तो उस कंटेक्स्ट में SMA ऑफिसर सेक्शन 6 के अंदर 30 दिन का नोटिस ना निकाले, इस बात को लेकर ऑलरेडी लीगल बैटल चल रहा है। अब इस चीज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जब केंद्र की सरकार ने अपना एफिडेविट पेश किया तो केंद्र की सरकार ने बोला कि देखिए ये 30 दिन का नोटिस जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए एक लड़का एक लड़की की शादी होती है 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अब इस 30 दिन के नोटिस में जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे उन ऑब्जेक्शंस को ये वेरीफाई करना कि ये सही है या गलत है उसके लिए थोड़ा समय तो चाहिए ही ना, तो 30 दिन का तो नोटिस देना ही पड़ेगा ना। तो आपने सेक्शन 6 के अंदर नोटिस निकाला, सेक्शन 7 के अंदर लिखा है 30 दिन के अंदर रिजॉल्व करना है इसको, तो 30 दिन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को प्रॉपर तरीके से पेरूज करना पड़ेगा। और ऑब्वियस ही बात है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक बालिग लड़का लड़की अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं, तो अगर वो मुस्लिम लड़का मुस्लिम हिंदू लड़की है, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की है, कोई भी हो, अगर अलग अलग धर्म की शादी हो रही है तो उस कंटेक्स्ट में अगर कोई और मुद्दा निकल के नहीं आता है कि भाई फाइनेंशियली अनसाउंड हैं आपके मेंटली अनसाउंड हैं तो उस केस में शादी तो देखो आपके रजिस्टर होगी। लड़का लड़की का बोलना है कि नोटिस से पूरा रायता फैल जाता है, घर वालों को पता चल जाता है, फिर वो हमारा रहना मुश्किल करते हैं, तो इस बात को लेके ऑलरेडी डिबेट चली है। अब यहां पे सेम फेथ मैरिज के रिस्पेक्ट में डिबेट चल रही है, सेम सेक्स कपल्स का ये बोलना है कि भाई देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट फॉरेन मैरिज एक्ट के अंदर ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पब्लिक नोटिस निकालने की और 30 दिन का टाइम देने की, उस कंटेक्स्ट में जो सेम सेक्स कपल अपनी शादी रजिस्टर कराना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, उनको ऑस्ट्रसिज्म फेल करना पड़ सकता है, पर्सिक्यूशन वायलेंस फेस करना पड़ सकता है। देखिए अभी के लिए सरकारी पोजीशन के हिसाब से सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में रजिस्टर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश की जा रही है।
जो पेटिशनर्स हैं सेम सेक्स कपल के बिहाफ पे, एलजीबीटी कम्युनिटी के बिहाफ पे, उनका ये बोलना है कि भाई 2018 की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने नवतेज जौहर केस में ऑलरेडी होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। सेक्शन 377 जो कि होमोसेक्सुअलिटी को पनिश करता था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है। तो टेक्निकली होमोसेक्सुअल कपल्स हो सकते हैं, मतलब एक लड़का एक लड़की के साथ रह सकता है, एक लड़की लड़की के साथ रह सकता है, आप उसको सोशल बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, ना उसको कुछ बोल सकते हो। तो जब लॉ के हिसाब से साथ में रह सकते हैं तो साथ में शादी क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन यहां पे उठ गया। ठीक है, तो एसएमए एक्ट 1954 के अंदर जो इंटरफेथ कपल्स को शादी करने की आजादी मिली हुई है, वही आजादी सेम सेक्स कपल को मिलनी चाहिए, ये यहां पे पेटिशनर्स बोल रहे हैं। और इसी को लेके ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने केस अपने पास खींच लिया है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसका जजमेंट बहुत क्लियर है। और यहां पे जो सेम सेक्स कपल्स हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया हमें ये रिकॉग्निशन पर्सनल लॉस के अंदर नहीं चाहिए, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम मैरिज एक्ट, इसके अंदर हमें शादी नहीं करानी है अपनी, हमको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करानी है। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं उनको जो प्रोटेक्शन दी जाती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, वही हमको दे दो। फिर ये भी बोल रहे हैं कि अब तक 15 लेजिस्लेशन ऐसे हैं जिन्होंने राइट टू वेजेस, ग्रेचुटी, अडॉप्शन, सरोगेसी, ये सब एलजीबीटी सिटीजंस को अवेलेबल नहीं कराए गए, तो कम से कम ये शादी वाला राइट तो अभी के लिए आप अवेलेबल करवाइए। सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज बहुत ज़रूरी है। नवतेज जौहर केस में ऑलरेडी सेम सेक्स रिश्ते को रिकॉग्निशन दे दी गई है। अब ऑब्वियसली बात है, रिश्ता मतलब एक लड़का एक लड़के के साथ रह रहा है, एक लड़की लड़की के साथ रह रही है, तो आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनकी राइट टू इक्वालिटी के अंदर, पर्सनल फ्रीडम के अंदर ये राइट उनको दिया गया है, तो शादी क्यों नहीं। तब केंद्र की सरकार ऑलरेडी अपने एफिडेविट में बोल चुकी है कि भाई सेम सेक्स मैरिज को हम अपनी कंजर्वेटिव फैब्रिक के हिसाब से अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो अलग बात है कि ओवरऑल अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अब सेम सेक्स के लोग रिकॉग्निशन मांग रहे हैं शादी का, और सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्निशन देगा। मैं अभी आपको बता देता हूं, जब जजमेंट आएगा ना सुप्रीम कोर्ट का, ऑब्वियसली बात है भले अभी ना हो, हो सकता है थोड़ा डिले हो, एक दो साल तीन साल में आए, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को इंडिया के अंदर प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा एसएमए एक्ट के अंदर, ये होने वाला है कुछ साल के अंदर। और देखिए होना भी चाहिए, जो इंसान जिस तरीके से रहना चाहता है आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं कर रहा है ना, तो आप उसकी लाइफ में क्यों है? मतलब हम लोग उनकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करें? बहुत सिंपल सी बात है, वो हमारे जैसे ही लोग हैं, हम उनके बीच है, उनका बस सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। तो हम डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब हम डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी सोच भी फॉरवर्ड होनी चाहिए। आज कल की डेट में जो लड़का लड़की हैं बिल्कुल कंजर्वेटिव माइंडसेट देखिए इंडिया में नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में आ रहा है। गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, घूमने जाना, लव मैरिजेस करना, ये इंडिया के अंदर बहुत कॉमन हो गया है। तो टेक्निकली आप इंडिया को बिल्कुल कंजर्वेटिव कंट्री नहीं बोल सकते। तो जब अपोजिट सेक्स रिलेशंस इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा जस्टिफाइड है, तो सेम सेक्स रिलेशंस को भी जस्टिफाई कर दो, क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, जुडिशरी का राइट बनता है यहाँ पे कि भाई ओवरऑल एसएमए एक्ट के अंदर जो शादियाँ हैं उसमें हस्बैंड वाइफ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये एसएमए एक्ट के अंदर हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ वाइफ वाले रिलेशन को भी जस्टिफाई करने की बात की जा रही है। ओके भाई, चलिए आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2 इलीगल माइग्रेशन, कुकीज एंड रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश पोस्ट बैक फ्रॉम मिजोरम सेज एमपी। देखिए मिजोरम के जो राज्यसभा मेंबर हैं उनका ये बोलना है कि भाई जो कुकी चिन कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश से भाग के मिजोरम के अंदर घुस रहे हैं, चित्तागोंग हिल ट्रैक्स में रहते थे, बेसिकली ये क्रिश्चियंस हैं और इनके अगेंस्ट बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन एक्शन ले रही है, तो इंडिया के अंदर इनको एंट्री देनी चाहिए, इंडिया के इनको भगाना नहीं चाहिए। जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इन कुकी चिन रिफ्यूजीज को इंडिया के अंदर घुसने नहीं दिया। तो इस बात को लेके जो के वनला वेना जी हैं, राज्यसभा मेंबर है मिजोरम से, उनका ये बोलना है कि भाई केंद्र की सरकार स्ट्रिक्टली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डायरेक्शन दे कि जो कुकी चिन कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश से इंडिया के अंदर घुसना चाह रहे हैं मिजोरम के अंदर, उनको अलाउ किया जाए। अब मिजोरम के लोगों को इनके प्रति क्या प्यार है? तो प्यार ये है दोस्तों कि बांग्लादेश के चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट में रहने वाले कुकी चिन कम्युनिटी के लोग एथनिक मिजो हैं, तो मतलब एथनिक ग्राउंड पे ये मिजोरम के लोगों के जैसे ही हैं, ठीक है ना, और इनके खिलाफ बांग्लादेश में एथनिक ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है।
और पहले भी भारत सरकार ने 1970s में हजारों की तादाद में चकमा जो कि बुद्धिस्ट थे उनको बांग्लादेश से इंडिया में घुसने पर अलाउ किया था और उनको सेटल भी किया गया था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। तो जब 1970s में हम चकमास को अलाउ कर चुके हैं इंडिया के अंदर घुस के सेटल होने के लिए, तो आज की डेट में हम एथनिक मिजोस जो कि कुकीचिन कम्युनिटी है जिसके अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उनको क्यों नहीं अलाउ कर सकते हैं? भारत सरकार और बीएसएफ का ये बोलना है, बीएसएफ का तो ये बोलना है कि हमें भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला कि इनको घुसने देना है। भारत सरकार का ये बोलना है कि भाई इन कुकीचिन कम्युनिटी के लोगों को बता दिया गया था कि अगर आप इंडिया के अंदर आ भी जाते हो तो आपको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। तो जब हमने उनको बताया कि आपको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा, वो खुद ही वापस लौट गया। कुकीचिन कम्युनिटी की बात की जाए तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बांग्लादेश की चित्तागोंग हिल ट्रैक्स में रहती है। मिजोरम के लोगों के साथ इनके क्लोज एथनिक टाइट्स हैं, एथनिसिटी बेसिकली सेम है। नवंबर 2022 में ऑलरेडी 300 रिफ्यूजीज कुकीचिन कम्युनिटी के मिजोरम में आ चुके हैं। मिजोरम की सरकार ने इनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर्स भी बनाए हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है, ये एकदम से अभी क्यों आ रहे हैं बांग्लादेश से इंडिया के अंदर? तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर एक बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि समझिए, इन कुकीचिन लोगों का एक आर्म्ड ग्रुप बना हुआ है, कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। उस आर्म्ड ग्रुप का नाम है कुकीचिन नेशनल आर्मी। अब ये जो कुकीचिन नेशनल आर्मी है ना, ये एक आर्म्ड रिवॉल्ट बन रही है बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के अगेंस्ट। समझिए बात को, बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स यहां पे कुकीचिन कम्युनिटी के साथ एक आर्म्ड बैटल लड़ रही है। बांग्लादेश के हिसाब से कुकीचिन कम्युनिटी एक एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप है और इस इंसर्जेंट ग्रुप का टारगेट क्या है? टारगेट यह है कि बांग्लादेश के लिमिटेड इलाके को वो हटा के बांग्लादेश से अलग करना चाहते हैं। कुकीचिन कम्युनिटी का जो कुकीचिन नेशनल फ्रंट है, इसका क्या टारगेट है? इसका टारगेट ये है कि बांग्लादेश के जो रंगामती और बंदरबन नाम का जो इलाका है चित्तागोंग हिल ट्रैक में, इसको मिला के ये एक अपना ऑटोनॉमस स्टेट बना लेंगे, जो कि जिसके पास इंटरनल डिसीजन मेकिंग ताकत है इनकी। इनफैक्ट जो फाइनल टारगेट है वो एथनिसिटी के नाम पर अपनी खुद की कंट्री बनाना है। अब आप समझिए दोस्तों, कुकीचिन कम्युनिटी के लोग इंडिया के अंदर भी रहते हैं, कुछ हद तक म्यांमार के अंदर भी रहते हैं। अब म्यांमार और बांग्लादेश तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा। अगर आप देखो तो एक जो रीयूनिफिकेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, जोरो, मिजोरम बेस्ड एसोसिएशन है। ये जो चिन कुकी मिजो ट्राइब्स है ना इंडिया म्यांमार बांग्लादेश की, इनको मिलाने की बात करता है। जी हां, समझिए, ये जो एथनिक जो लोग हैं इनको मणिपुर में मिजो नॉमनक्लेचर से बुलाया जाता है, समझ गए? सॉरी, मणिपुर में इनको कुकी कहा जाता है, मणिपुर में इनको कुकी कहा जाता है और म्यांमार में इनको चिन, जोमी या लाइमी कहा जाता है, ठीक है ना भाई? अब ये जो पीपल, मीजो, कुकी, चिन पीपल, ये सेम है। तो कुकी चिन नाम से हम लोग यहां पे इनको एड्रेस कर रहे हैं। ये इंडिया के अंदर भी रहते हैं, बांग्लादेश के अंदर भी रहते हैं, म्यांमार के अंदर भी रहते हैं। टारगेट इनका क्या है कि कुछ इलाका मिला के अपना खुद की देश बना लो, कंट्री बना लो। अब इस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के लिए ऐसा बताया जाता है कि ऑलरेडी एक सीक्रेट पैक्ट कर चुके हैं। जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रैपिड एक्शन बटालियन, इन्होंने एक सीक्रेट पैक्ट साइन किया है, ऐसा बोला जाता है, म्यांमार बेस्ड अराकान आर्मी के साथ। अराकान आर्मी भी एक एथनिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, 2006 में बनाया गया था। म्यांमार में रखीने स्टेट में रहने वाले लोगों की ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया। तो ये पर्टिकुलर अराकान आर्मी और रैपिड एक्शन बटालियन मिलके चिन कुकी मिजो ट्राइब्स के अगेंस्ट एक्शन लेती है और बहुत बड़ी तादाद में ये लोग मिजोरम के अंदर आ रहे हैं। अब भारत सरकार के यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि भाई इनको आने दिया जाए, इनके अगेंस्ट म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे। दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि ओवरऑल ये लोग एक इंसर्जेंट रेवोल्यूशन कर रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर अपना इलाका बनाने के लिए, तो क्या गारंटी है इंडिया के अंदर नहीं करेंगे? तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स बहुत हद तक एथनिसिटी बेस्ड है, ठीक है ना? इसके बारे में एसेस कर पाना, बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी पूरी तरीके से जिस कंट्री में एग्जिस्टेंट है वहां के साथ एसोसिएट नहीं हो पा रहे, तभी इस प्रकार के आर्म रिवॉल्ट लीड कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आर्म रिवॉल्ट कोई और लीड कर रहा होता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर आर्म्ड ग्रुप, जैसे यहां पे कुकीचिन नेशनल आर्मी, वो लीड कर रही है, नेशनल फ्रंट लीड कर रहा है, लेकिन उसका हर्जाना कौन भर रहे हैं? तो जो आम चिन कुकीचिन कम्युनिटी के लोग हैं जो कि पीसफुल हैं, कुछ किसी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, वो यहां पे परेशान हो रहे हैं।
तो राज्यसभा के जो मेंबर है मिस्टर वान लवेना साहब, इन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह और होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को चिट्ठी लिखी और बोला कि आप बीएसएफ को डायमेंशन दीजिए कि डिस्प्लेस्ड पर्सन को परेशान ना किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ है, ह्यूमैनिटेरियन तरीके सोचिए, बांग्लादेश के अंदर इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे आपने बांग्लादेशी चकमास को 1970s में अलाउ किया था जब कप्ताई डैम के इलाके से इनको हटाया गया था, उसी प्रकार से इनको भी अलाउ करिए। भले ही इंडिया यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को साइन नहीं किया है, 1969 के प्रोटोकॉल को भी साइन नहीं किया है, उसके बावजूद अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर आके रहे हैं, तो कुकीचिन कम्युनिटी को भी अलाउ करिए। वैसे भी म्यांमार में जब से कूप हुआ है फरवरी 2021 में, उसके बाद से 40,000 रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आ गए हैं, तो ये लोग क्यों नहीं आ सकते। इस प्रकार के जो सवाल उठाए गए हैं राज्यसभा मेंबर द्वारा। अगली न्यूज, अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी सरकार। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि देखिए, जो भी टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिक्स की गई है जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन के रिस्पेक्ट में, उसको यूनियन गवर्नमेंट मानेगी। ऐसा नहीं कि उसको यूनियन गवर्नमेंट नहीं मानेगी। देखिए, रिसेंटली नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर काफी बवाल उठा है। अक्टूबर 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम ही चलेगा, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो भी जजेस के अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको केंद्र की सरकार ने पूरी तरीके से माना नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं माना, अपॉइंट किए भी, बहुत लोगों को अपॉइंट नहीं किया। अब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस चीफ जस्टिस शांत रहते थे, सीधे सीधे सरकार से पंगा नहीं मोलते थे, लेकिन अभी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब थोड़ा पंगा मोल रहे थे। तो इस रिस्पेक्ट में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने बोल दिया कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू आप अपनी बादशाहत बना के रखना चाहते हो, ओवरऑल NJAC प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेटिव मेथड था, उसको आपने फॉलो नहीं किया। तो रिसेंटली देखिए, जस्टिस संजय किशन कौल साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी कैन नॉट पिक एंड चूज इफ अ जजमेंट NJAC is aligned with the government views and decide to enforce it or not. We enforce the law, collegium system as it exists. I have said if you want to bring in a better system, nothing prevents the legislature from doing it. But every system has its pluses and minuses. Nobody says this is a perfect system, nor can a replacement system can be perfect. Ultimately, people operate this system. The issue needs to be resolved. It is not a healthy situation. I will be out of the system in a year. My grave concern is if we are creating an environment where meritorious people hesitate to give consent to offers of judgeship. क्या बताया जा रहा है? देखिए, केंद्र की सरकार लाना चाहती थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने आने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम से ही काम चला रही है। अब इस कंटेक्स्ट में केंद्र की सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया है, तो अभी के लिए जस्टिस संजय किशन कौल साहब बोल रहे हैं कि देखिए, पहले जो हो गया वो हो गया। वो ये बोल रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम परफेक्ट नहीं है। वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर केंद्र की सरकार कोई नया लॉ लेके आना चाहती है तो वो नया लॉ लेके आ सकती है, उसको रोका नहीं जा रहा है। अगर कॉलेजियम सिस्टम परफेक्ट नहीं है तो हो सकता है कि उसको रिप्लेस करने वाला सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से परफेक्ट ना हो। तो क्या इस डिसेंशन के चलते आप जजेस के अपॉइंटमेंट को ही रोक दोगे? क्योंकि जब आप जजेस के अपॉइंटमेंट को रोकोगे तो जो जुडिशियल पेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। अगर जुडिशियल वैकेंसी आप नहीं बढ़ेंगे तो जुडिशियल पेंडेंसी बढ़ेगी, जुडिशियल पेंडेंसी बढ़ेगी तो जस्टिस सफर करेगा। और उसके साथ साथ अगर नॉमिनेटेड नेम्स को सरकार अपॉइंट नहीं करेगी तो बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो टैलेंटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो जज शायद तब बन जाए अगर उनको जजशिप ऑफर की जाए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट का जो कैलेजियम है वो किसी पर्टिकुलर एडवोकेट को इस लायक समझता है कि हाँ भाई, इसको जज बनाया जाए, तो वो नाम रिकमेंड करता है सरकार को। सरकार अगर उस नाम पे एक्शन लेगी तो सुप्रीम कोर्ट का कैलेजियम इसको अप्रूवल दे देगा, लेकिन सरकार, मतलब केंद्र की सरकार, उसको बहुत लंबे लंबे समय तक होल्ड पे रखती है। तो ये प्रॉपर प्रेसिडेंस को सेटअप नहीं कर रहा, ये बातें यहां पर बताई जा रही है। जस्टिस कौल साहब का बोलना है कि भाई, पॉलिटिकल एफिलिएशन और पर्सनल फिलॉसफी के आधार पर यहां पर जजेस का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अलग अलग हाई कोर्ट्स के कॉलेजियम ने 104 नाम जजों जजशिप के लिए प्रपोज किए केंद्र की सरकार को, और 2021 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये बोलता है कि नाम प्रपोज होने के 18 हफ्ते के अंदर ये नाम रिकमेंड करने जाने हैं केंद्र की सरकार की लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के अप्रूवल के लिए। लेकिन केंद्र की सरकार की लॉ मिनिस्ट्री इन नामों के रिकमेंडेशन को पेंडिंग रखती है लंबे समय तक। इनफैक्ट सिर्फ हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी 5 जजेस के अपॉइंटमेंट की बात की गई। जो कॉलेजियम था सुप्रीम कोर्ट का लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसने दिसंबर 2022 में प्रपोज किया कि राजस्थान के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना के हाईकोर्ट के जज जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्ला और अलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा, इनको आप भाई सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करिए, जज बनाइए।
लेकिन अब तक सरकार ने अपॉइंट नहीं किया। तो ओवरऑल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यार आप इन पर्टिकुलर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं कर रहे, इसमें तीन तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, और जब ये ओवरऑल अपनी कुर्सी छोड़ेंगे तो इनकी बजाय हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगा। तो इससे जस्टिस डिले हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ओवरऑल आप जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहे हो, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में जो इनकी वैकेंसी होगी वहां पे नए जज जाएंगे, वो भी आपके चक्कर में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये डिले क्यों है? केंद्र की सरकार इस प्रकार से डिले करके ओवरऑल जस्टिस के मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला है। अब बहुत सारे जजेस ओपनली नहीं बोलते थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब यहाँ पे ओपनली इस मुद्दे को छेड़ रहे हैं, तो ये ओवरऑल एक यहाँ पे न्यूज है। तो इसमें जो अटॉर्नी जनरल है वेंकट रमानी साहब, इनका ये बोलना है कि नहीं भाई, केंद्र की सरकार यहाँ पे डिसीजन लेगी कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के हिसाब से। डिसीजन कितने दिन में लेगी वो बात पता चलेगी। जो अगली हियरिंग दी गई है यहाँ पे वो ओवरऑल दी गई है 3 फरवरी की, तो तब तक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को ये उम्मीद है कि शायद केंद्र की सरकार यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस को जजशिप के लिए अपॉइंट कर दे। वैसे देखा जाए रिसेंटली तो जो कॉलेजियम के 22 रिकमेंडेशंस हैं उनको केंद्र की सरकार ने वापस कर दिया। इन 22 में फ्रेशली अपॉइंटेड जजशिप के नॉमिनेशंस थे, कुछ रीइटरेटेड नॉमिनेशंस थे। रीइटरेटेड मतलब पहली बार नाम सजेस्ट किया कॉलेजियम ने केंद्र की सरकार को, केंद्र की सरकार ने वापस भेज दी लिस्ट, उसके बाद कॉलेजियम ने फिर से नाम रिकमेंड किया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि अगर रीइटरेशन हो रहा है किसी जज के नाम का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उसका अपॉइंटमेंट होना ही चाहिए। केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि अपॉइंटमेंट में आप सिर्फ सीनियोरिटी देखो वो सही नहीं है, मेरिटोक्रेसी देखना भी बहुत ज़्यादा सही है। मैं आपको जजेस की बात बता दूं, जब जज में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है ना तो एक पर्टिकुलर जज की सीनियोरिटी बहुत मैटर करती है। केंद्र की सरकार का बोलना है कि यार सिर्फ सीनियोरिटी के बेसिस पे कैसे कर सकते हो, मेरिटोक्रेसी भी तो कोई चीज़ होती है। लेकिन मेरिट बहुत हद तक कभी कभी पॉलिटिकल कंपल्शंस के लिए कॉम्प्रोमाइज भी की जा सकती है। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और ओवरऑल केंद्र की सरकार के बीच में निकल के आ रहे हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट का ये भी बोलना है कि जब भी एक जज के ट्रांसफर की बात होती है, फॉर एग्जांपल एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को ट्रांसफर करना है, तो इसमें केंद्र की सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज ट्रांसफर करती है तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से भी बात होती है, दोनों हाई कोर्ट के कॉलेजियम से बात होती है, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात होती है, और जिन जजों का ट्रांसफर हो रहा है उनसे बात होती है। और यह ट्रांसफर किया जाता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर इस बात को भी केंद्र की सरकार रोक के बैठ जाएगी तो यह सही प्रेसिडेंस सेटअप नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो मतलब क्लियर है, इन बातों को देख के हम पता कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की सरकार के जजेस के ट्रांसफर अपॉइंटमेंट को लेकर बिल्कुल भी नहीं बन रही। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 रोड सेफ्टी, सुप्रीम कोर्ट आस्क पैनल टू बिल्ड फ्रेमवर्क ऑन रोड सेफ्टी इन 2 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही कमेटी को जिसको लीड कर रहे हैं पहले के ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एम सापरे साहब, इसको ये बोल रहा है कि जल्दी से रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ 2 हफ्ते के अंदर मुलाकात करो, तुरंत एक फ्रेमवर्क बनाओ जो कि स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस को सेटअप करेगा। किस चीज़ के लिए? फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। देखिए क्या है कि अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात करो तो इसका सेक्शन 136A डील करता है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी रूल से लेके। ठीक है ना भाई, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन 136A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर सरकार ऑलरेडी रूल्स फ्रेम कर चुकी है। तो केंद्र की सरकार के बिहाफ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान जी ये बोल रहे हैं कि भैया केंद्र की सरकार ऑलरेडी 136A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर रूल्स फ्रेम कर चुकी है। वैसे मैं बता दूं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर ही सेक्शन 136A को इंक्लूड किया गया था 2019 में। ऑब्जेक्टिव क्या था सेक्शन 136A का? कि भैया नेशनल और स्टेट हाईवेज, रोड्स और अर्बन सिटीज में जो भी तेजी से चलाने वाले व्हीकल्स हैं या जो सही तरीके से व्हीकल नहीं चला रहे हैं, जो सही तरीके से ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करना, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक आई रखना। और इस कंटेक्स्ट में इसके अंदर रूल्स ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं, अब इन रूल्स को इन्फोर्स करना है। तो रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्ट किया गया है कि आप रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ बातचीत करके 2 हफ्ते के अंदर रूल्स फ्रेम आउट करिए। ठीक है ना भाई, तो 136 क्लॉज 2 केंद्र की सरकार को डायरेक्शन देता है कि भाई रूल्स बनाइए फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी इंक्लूडिंग स्पीड कैमराज, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमराज, स्पीड गन्स, बॉडी वेरिएबल कैमराज एंड सच अदर टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो सीनियर एडवोकेट हैं केवी जैन साहब, इनका यह बोलना है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से रोडों पे बहुत लोगों की जान जाती है,
और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी केवल केंद्र की सरकार की नहीं है। अगर आप सेक्शन 215 ए और 15B देखोगे इस मोटर व्हीकल एक्ट का, तो राज्य की सरकार को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि सड़कों पर चलने वाले व्हीकल्स की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाए। तब आप कई बार बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती क्या है, बार बार आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी आप किसी हाईवे वगैरह पर जाते हो, ठीक है ना, तो उस पर ऊपर की तरफ पर कई बार स्पीड गन्स लगी होती हैं और उस हाईवे पे लिखा हुआ है स्पीड लिमिट 60 या 80 लिख रखा है। तो अगर आप उस हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है उसको वायलेट करते हो ना, तो आपके अगेंस्ट पेनल्टी पड़ेगी भाई। ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हो तो पेनल्टी पड़ेगी। इनफैक्ट रिसेंटली जब मैं लंदन गया था तो लंदन में सड़कों पे सीसीटीवी कैमरास लगे थे और वहाँ पे एक ट्रैफिक ड्राइवर था, सरदार जी थे वो, अफगानिस्तान के सरदार जी थे। वो बता रहे थे सर कि अगर यहाँ पे आपने ट्रैफिक वायलेशन किया पहला, तो एक टैक्सी वाले की मंथली वेजेस का 50% काट लिया जाएगा, और दो तीन ट्रैफिक वायलेशन हो गए तो हो सकता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग अब लंदन की पुलिस सड़कों पर उतर के थोड़ी ना करेगी, अपने सीसीटीवी कैमरास के थ्रू एनालाइज करेगी। वो सीसीटीवी कैमरास पे स्पीड गन्स लगी रहती हैं। उसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का लेआउट इंडिया के अंदर सेटअप किया जा रहा है कि भैया राज्य की सरकार केंद्र की सरकार दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी तो लोगों को डर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने गाड़ी पे ओवर स्पीडिंग की और मेरे पे 5,000 या 10,000 का चालान ठोक दिया और मैं चालान नहीं भरूंगा तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तो मैं डरूंगा ना भाई ओवर स्पीडिंग करने से पहले कि यार ये तो चालान ठोक रहे हैं, पैसों का नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान होता तो अच्छे अच्छे डरते हैं। तो यही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के थ्रू रोकने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके साथ साथ जो एमिकस क्यूरी हैं, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं गौरव अग्रवाल साहब, इनका ये बोलना है कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज जो ब्लैक स्पॉट्स हैं इनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ब्लैक स्पॉट मतलब एकदम से कट आ गया, कोई खड्डा है वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं और हर बार ड्राइवर की गलती नहीं होती है, तो उनको भी रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट की बात है। इसी रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपनी कमेटी को तुरंत ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से बात करके रूल्स फ्रेम आउट करो। फिर भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कैसे रिमोट वर्क ने COVID-19 के समय पे जॉब्स को बचाने में मदद की। आपको पता है जब COVID-19 फैलना शुरू हुआ तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर पूरी दुनिया में फैला। इसी कंटेक्स्ट में वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड एक रिपोर्ट पब्लिश की यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इस रिपोर्ट का ये बोलना है कि COVID-19 पैंडेमिक के बाद जो शॉर्ट टाइम वर्क आया है और जो वर्क शेयरिंग मेजर्स आए हैं, इससे जॉब रिटेंशन भी हुआ है और लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस भी स्टैब्लिश हुआ है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया है, उनके आवर्स ऑफ वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गए। जैसे अगर आप हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करो तो इन दो इंडस्ट्रीज में कोई टाइमिंग रही ही नहीं वर्कर्स के काम करने की। कभी भी कितने भी समय 12, 14, 16, 18 घंटे काम किया हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने कोविड के समय पे, कुडोस टू देम, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो भाई ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब इस रिपोर्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि जो टेली वर्क है, ये जो वर्क फ्रॉम होम वाली सुविधा है COVID-19 क्राइसिस के समय पे, इससे क्या हुआ, लोगों का सोशल कॉन्टैक्ट कम हो गया। अब लोग घर के बाहर निकल नहीं रहे थे, घर पे ही बैठे हुए थे, तो चूंकि सोशल कॉन्टैक्ट कम हो गया तो उनके पास समय ज़्यादा था, तो वो अपने एम्प्लॉयर के लिए घर बैठे बैठे काम कर रहे थे। तो भले ही उन्होंने काम कम समय के लिए, क्योंकि जब आप घर पे बैठ के काम करते हो तो वैसे जैसे आप ऑफिस जाते हो तो सुबह 9 बजे से लॉग इन करके शाम को 6, 7, 8 बजे तक कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, मान लो 9 घंटे की शिफ्ट है तो शाम को 6 बजे तक बैठे हुए सुबह 9 बजे से लेके। अभी घर पे भी आप सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कंप्यूटर खोल के बैठे हुए, लेकिन घर पे क्या है कि आपको पता है कि आपको ये फिक्स सेट ऑफ काम खत्म करना है, तो आप एफिशिएंसी से काम करोगे। आप कोशिश करोगे कि 9-10 घंटे काम में 6 घंटे में निपटा दो, तो 3 घंटे मेरे लीजर टाइम हो जाएंगे, तो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, बच्चों के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, कहीं बाहर घूमने डिनर जा सकता हूँ। तो इससे हुआ ये कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एफिशिएंसी आई, उन्होंने उतना ही समय अपनी एफिशिएंसी के थ्रू कम समय में कर लिया उतना ही काम, और बाकी काम के थ्रू अपनी फैमिली को समय दिया, एक वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखा। तो रिड्यूस्ड वर्किंग आवर, फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम अरेंजमेंट्स ने इकोनॉमीज को, एंटरप्राइजेस को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को, सबको मदद किया है, एक बेटर और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया है। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, ठीक है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि नॉर्मल कर पूरी दुनिया में ये जो 8-आवर डे या 40 घंटे का वर्किंग वीक का सिद्धांत है ना, इसको अगर कंपेयर करो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन घंटों से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं। जैसे कि ओवरऑल दुनिया भर में 1/3 ऐसे वर्कर्स हैं जो रेगुलरली पर हफ्ते 48 घंटे से ज़्यादा का काम कर रहे हैं, और लगभग आप कह लीजिए 1/5 ऐसे वर्कर्स हैं, 20% जो प्रति वीक 35 घंटे से कम का काम कर रहे हैं।
फिर ये रिपोर्ट ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिना की भी बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिना के बारे में आपने इंडिया के अंदर ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन यूके वगैरह में और आप कह लो डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिना था। ये जो लंडन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, वहां के एक प्रोफेसर साहब ने इस कंसेप्ट को बताया था, ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिना। इस कंसेप्ट में यह था कि कोविड 19 पैंडेमिक के बाद रिड्यूस्ड वेजेस की वजह से, जॉब प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोगों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया। 2021 के लगभग की बात है, तो इसको बोला गया था ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिना। डेवलप्ड कंट्रीज में इस फिनोमिना के बारे में ज्यादा बात हो रही थी, इंडिया में इस फिनोमिना के बारे में ज्यादा बात हो नहीं रही थी, क्योंकि इंडिया में गरीबी इतनी है, हर इंसान हर समय पे नौकरियां ही ढूंढ रहा है, नौकरी मिल गई तो वो छोड़ता नहीं है। तो ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिना हमने इंडिया में नहीं सुना, बट फॉरेन में सुना। लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रेट रेजिग्नेशन फिनोमिना अब रिवर्स हो रहा है। दुनिया भर में जो लोग हैं वो घर बैठे बैठे वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन कर पा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा काम भी कर पा रहे हैं, उनको पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी परचेजिंग पावर को भी मेंटेन कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारा का सारा सामंजस्य इन्फ्लेशन के चलते बिगड़ रहा है। जैसे यूएस यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, यूके में तो 10% से ज़्यादा चल रहा है इन्फ्लेशन, तो वहाँ पर तो जो सरकारी सर्विसेज उनके वर्कर्स स्ट्राइक तक कर रहे हैं। तो एक बेसिक तबके के लिए ये जो एंटरप्राइजेस ने फ्लेक्सिबल वर्कर वर्किंग आवर्स निकाले, उसके चलते एक तो क्या है कि जो एम्प्लॉई है उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, तो ऑफिस में बिजली लाइट बिल का खर्चा, ओवरऑल बाकी खर्चे थोड़े कम हो गए। दूसरा, इन एम्प्लॉयज़ को घर बैठे बैठे काम करने को मिला, तो इन्होंने एफिशिएंसी एक साथ काम किया, तो ज़्यादा एफिशिएंट काम किया, कम समय में काम किया, तो इनको भी अपना वर्क लाइफ बैलेंस मिला, एम्प्लॉयर को भी अपना काम मिल गया, एम्प्लॉयर को इनको होस्ट करने का ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये सारी बातें एक लिमिटेड फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज में वर्कर्स की क्या हालत है ये सबको पता है। फिर अगली न्यूज जीएस पेपर 2, ट्राइबल इशू। न्यू संथल्स ऑफ झारखंड स्टेक क्लेम टू पारसनाथ हिल्स। अभी केंद्र की सरकार ने रिसेंटली ही जैन कम्युनिटी के मेंबर्स को ये एश्योरेंस दी है कि जो आपका होली प्लेस है सामेश शिखर जी पारसनाथ हिल्स पे, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाएंगे, हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसके अंदर संथल कम्युनिटी के लोग होंगे, आपके जैन कम्युनिटी के लोग होंगे, सरकारी लोग होंगे, वो इस बात पे डिसाइड करेंगे कि पारसनाथ हिल में क्या करना है। अब जैसे ही जैन कम्युनिटी के लोगों को पारसनाथ हिल्स के रिस्पेक्ट में जीत मिली, वैसे ही संथल कम्युनिटी के लोग यहाँ पे बवाल करने लगे। संथल कम्युनिटी के लोगों का बोलना है कि पारसनाथ हिल्स को हम मारंगबुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, ये हमारी हिल डीटी है, हम इसकी पूजा करते हैं। तो पारसनाथ हिल पे क्लेम संथल कम्युनिटी के लोगों का है, न कि जैन लोगों का। और ओवरऑल संथल कम्युनिटी के लोगों का ये बोलना है कि हम 5 स्टेट्स में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और ये बोलेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर हिल में पूजा करने का अधिकार दिया जाए। देखिए, संथल ट्राइब झारखंड की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है और इसकी साइजेबल अमाउंट ऑफ आबादी बिहार, उड़ीसा, आसाम और वेस्ट बंगाल में भी रहती है। ये ट्राइब नेचर को पूजा करती है, 40 लाख मेंबर्स इस ट्राइब के झारखंड में रिजाइड करते हैं। तो जैन कम्युनिटी ने जब पारसनाथ हिल को लेकर डिमांड की, कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने माना। संथल कम्युनिटी के लोगों का बोलना है कि हम इस पर्टिकुलर पारसनाथ हिल को एज अवर गॉड, एज अवर मारंगबुरु पूजा कर रहे हैं कई डेकेड से, हम जैन कम्युनिटी से पहले से यहां पर रह रहे हैं, जैनियों ने हमसे इलीगली जगह छीनी है, संथल ट्राइब का बिगेस्ट पिलग्रिमेज प्लेस है ये पारसनाथ हिल्स, इसके सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास, तो इस पर्टिकुलर हिल पे पूजा करने का अधिकार, रहने का अपने कल्चर के हिसाब से अधिकार हमें मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम भारत बंद करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो संथल वे ऑफ लाइफ है, जैन वे ऑफ लाइफ है, उसमें थोड़ा फर्क है। संथल्स ऑब्वियसली बात है ट्राइबल लोग हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, जैन लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो जैन लोगों का बोलना है कि इस पर्टिकुलर हिल्स के आसपास के इलाकों में हम ओवरऑल नॉनवेज नहीं खाने देंगे, संथल कम्युनिटी वाले बोल रहे हैं हम खाएंगे। अभी आप देखो तो 15 साल पहले इस इलाके में एक संथल लीडर का मर्डर भी हो गया था, तो अब एक नया ही इशू शुरू हो गया है। जैन कम्युनिटी वाले इशू को जब रिजॉल्व किया गया तो अब संथल कम्युनिटी लोग बोल रहे हैं कि पारसनाथ हिल्स को हम मारंगबुरु बोलते हैं। अगर आप अनडिवाइडेड बिहार के हजीराबाद डिस्ट्रिक्ट 1932 का गजेटियर देखोगे तो उस समय पे ये जो पर्टिकुलर आप कह लो पारसनाथ हिल था, ये गिरिदीह डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता था, क्योंकि उस समय पे गिरिदीह डिस्ट्रिक्ट थी ही नहीं, उस समय पे झारखंड बिहार का पार्ट था, और उस समय पे इस पर्टिकुलर हिल को मारंगबुरु बोला जाता था, पारसनाथ हिल नहीं बोला जाता था, और हम इसको मारंगबुरु हिल ही बुलाते हैं। तो इस हिल के ऊपर क्लेम हमारा है, ना कि जैन कम्युनिटी का। और इससे पहले जब इंडिया अंग्रेजों के राज के अंदर था तो प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, प्रिवी काउंसिल ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हाईएस्ट कोर्ट थी, तो जो सबसे बड़े मुद्दे इंडिया के थे वो प्रिवी काउंसिल के पास जाया करते थे। तो उस समय पे जैन कम्युनिटी और संथल कम्युनिटी प्रिवी काउंसिल के पास गई थी और प्रिवी काउंसिल ने बोला था कि पारसनाथ हिल में हंटिंग करने की अथॉरिटी है संथल के पास। अब आप सोचो,
हिल के अंदर जानवर मही मार सकते हैं, नॉनवेज नहीं खा सकते, ये बोल रही है जैन कम्युनिटी। और संथल कम्युनिटी यहाँ पे बोल रहा है कि हम अपने वे ऑफ लाइफ से रहना चाहते हैं। तो हो गया ना क्लैश, एक बहुत बड़ा क्लैश हो गया यहाँ पे। तो लेट्स सी अब संथल कम्युनिटी के लोग किस हद तक यहाँ पे ओवरऑल एजिटेशन करते हैं। जैन कम्युनिटी के लोगों ने इस पर्टिकुलर इलाके को टूरिस्ट प्लेस बनाने से तो रोक लिया, बट संथल कम्युनिटी के लोग इसके अगेंस्ट कितना बड़ा एजिटेशन करेंगे, राज्य की सरकार पे कितना प्रेशर आएगा वो देखते हैं। कहीं ना कहीं शायद संथल कम्युनिटी के लोग चाहते थे कि इस पर्टिकुलर इलाके को एक टूरिज्म हॉटस्पॉट की तरह डेवलप किया जाए, इससे कमाई वगैरह आएगी। जैन कम्युनिटी के लोगों ने इसको रोक दिया है, अब संथल कम्युनिटी के लोग अपना अलग ही एजिटेशन कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या निकल के आता है। जैन कम्युनिटी के लोगों का बोलना है कि इनके 26 में से 20 तीर्थंकरों को, जैन मॉन्क्स को, यहीं पे मोक्ष मिला था। संथल कम्युनिटी के लोगों को बोलना है कि इस हिल को तो अपने भगवान की तरह हम पूजा करते हैं, तो ये हिल हमारा है, अब किसका क्या है ये भैया कोर्ट और सरकार ही डिसाइड करेगी। फिर अगला भाई, द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ। भैया आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ एक मजाक से बन के रह गया। दो डिकेट्स पहले, 20 साल पहले, प्रोफेसर हिलरी चार्ल्स वर्थ ने एक ऐसे लिखा था, वो आज की डेट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं। उन्होंने बोला था इंटरनेशनल लॉ इज अ डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस, मतलब एक ऐसा फील्ड है इंटरनेशनल लॉ जहां पे क्राइसिस ही क्राइसिस है। और ये बात बिल्कुल सही है, COVID-19 का पैंडेमिक थोड़ा बहुत खत्म ही हो रहा था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ी हुई हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉर ना हो। तो वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुई, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे वॉर दबा के हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, वेस्ट एशिया में हो रही है, और अब आपका यहां पे रशिया यूक्रेन यूरोप में भी होती नजर आ रही है। इंटरनेशनल लॉ की लिमिट्स टेस्ट कर ली है रशिया का इलीगल वॉर। कहीं ना कहीं रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज ओवरऑल इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन को ही बदल रहे हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद अगर आप देखो तो एक कैपिटलिस्ट अमेरिका था, एक कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन था, दोनों के बीच में वॉर के चांसेस थे। जब सोवियत यूनियन 1990s में टूट गया तो यूनिपोलर वर्ल्ड उभरा। उस समय पे कोई वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारी पैरेलल ताकत उठना शुरू हुई। वो पैरेलल ताकत आज की डेट में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और जिस समय पे पूरी दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड में थी, उस समय पे भी अगर आप देखो तो नाटो ने कोसोवो के ऊपर बम गिराए, वेस्टर्न फोर्सेस ने इराक को इन्वेड किया, तो पावरफुल लोगों ने वॉर जारी रखा। भले ही वो यूनाइटेड नेशन चार्टर को फॉलो कर रहे थे, बट अपनी पर्सनल आप कह लो यू नो प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो वॉर कर रहे थे, बवाल कर रहे थे पूरी दुनिया में। और आज की डेट में रशिया यहां पे लड़ाई कर रहा है, चाइना का जो थ्रेट है ताइवान के अगेंस्ट। तो इस समय पे एक्सपेंशनिस्ट रशिया और ऑटोक्रेटिक चाइना, इनका मीटियोरिक राइज देखने को मिल रहा है। ये अपने मसल्स फ्लक्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ को वेपनाइज कर रहे हैं, यूएन चार्टर के जो बेसिक एसेंस है उसको ही बदल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यूएसए जैसी कंट्रीज ने यूएन चार्टर को प्रॉपर तरीके से माना है, नहीं माना, उन्होंने भी पूरी दुनिया में बहुत बवाल मचाया है। वही बवाल एक प्रकार से चाइना रशिया भी मना रहा है। चाइना रशिया का वर्जन इंटरनेशनल लॉ में यह है कि वो इंटरनेशनल मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, और चाइना रशिया के हिसाब से दूसरे स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कोई मायने नहीं रखती है। जो वेस्टर्न नोशन है इंटरनेशनल लॉ का कि भाई रूल ऑफ लॉ में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन चाइना और रशिया के एक्शंस के हिसाब से कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सीन ही नहीं है। रशिया कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, चाइना कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस बन के आ गया यहां पे इंटरनेशनल लॉ। बस यही बताया जा रहा, हर कंट्री अपने अपने जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले रही है, पूरा रायता फैल रहा है, वॉर्स यहां पे छिड़ रहे हैं, यूएन चार्टर बिल्कुल भी इस चीज को रोकने में इफेक्टिव नहीं है। और सिर्फ रशिया चाइना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी रशिया चाइना के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, खासकर चाइना के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट यूएस लेके आया इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। WTO की पैनल रिपोर्ट्स के अंदर यूएस ने जो प्रोटेक्शनिस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ली है जो कि WTO के वॉल्यूशन में है, उनको भी यूएस ने मानने से मना कर दिया। इनफैक्ट यूएस का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है WTO का, इसको इनएफेक्टिव कर दिया यूएस ने। अपेलेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म में जजों को अपॉइंट नहीं होने दिया यूएस ने। भले इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप और जेयर बोलसोनारो जैसे फार राइट कंजर्वेटिव और अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर पावर में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का समा ये बांध के गए हैं, कहीं ना कहीं इनके सक्सेसिव लीडर्स भी एक लिमिट से ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और यू नो ग्लोबल हार्मोनी को फैलाने वाले नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस इस समय पे चाइना की बढ़ती ताकत से थोड़ा नर्वस हो रहा है, तो उसके चलते वो भी प्रोटेक्शनिज्म कंजर्वेटिज्म की तरफ जा रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है, ओवरऑल इंटरनेशनल क्राइसिस किस प्रकार से क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में बात की जा रही है। फिर अगला आर्टिकल है पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कंपनीज। देखिए कई बार क्या होता है
कि पिछले एक क्वार्टर में, पिछले छः महीनों में, साल में, दो सालों में अगर कंपनी प्रॉफिट ना कमाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सीईओ के लीडर के ऊपर डाल दी जाती है कि कंपनी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई है। और जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हारती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके लीडर्स के ऊपर डाली जाती है। बट ऑथर जो है यहाँ पे गुप्ता जी, रुचि गुप्ता जी, इनका ये बोलना है कि नहीं, देखिए आप एक प्राइवेट कंपनी को एक पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो पेमेंट के लिए, सैलरी के लिए काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग काम करते हैं वो पूरी तरीके से सैलरीज के लिए काम नहीं करते, वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी एजेंडा के साथ जोड़ते हैं। ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी जिस प्रकार का सोशल और आइडियोलॉजिकल चेंज लाने की कोशिश कर रही है उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग और एक कंपनी की फंक्शनिंग में लाख फर्क है। एक कंपनी के अंदर काम, पहली बात तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई धंधा करना है, पैसा कमाना है। कॉमर्शियल स्पेस में कंपनी काम करती है। पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करके लोगों में अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती है, उनसे वोट लेना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, फिर सरकार बना के लोगों के लिए काम करना चाहती है। तो ये दो बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, और किसी भी कॉमर्शियल कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पैसा कमाना होता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो पेमेंट के लिए, सैलरी के लिए काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उसमें इन्वॉल्व करके उस पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी सीन में अगर आप देखोगे तो हर कंपनी का एम्प्लॉय टॉप लेवल पोजीशन पे पहुंच जाए जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर आगे बढ़ रही है तो नीचे से उठा हुआ एम्प्लॉय भी आगे बढ़ सकता है। जैसे अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, इन्होंने बीजेपी को एक कार्यकर्ता की तरह ज्वाइन किया था और आज की डेट में बीजेपी की सबसे टॉप नॉच पोजीशन पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज काम ही इस प्रकार से करती हैं। वहां पे लोग तनख्वाह के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं, वहां पे लोग अपने आप को एक आइडियोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस, एक एम के साथ एसोसिएट करके जुड़ते हैं और फिर उस एम के साथ जुड़ के अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज के साथ कंपेयर करना यहां पे सही नहीं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। फिर कंपनियों के अंदर स्पेसिफिक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम्हारा ये काम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी होती है, पर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वेराइंग डोमेन्स में आप काम करते हो। कंपनी के अंदर अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी आपको फायर कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आपको जल्दी फायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काम करने वाले बहुत सारे कार्यकर्ताओं को ऐसी कोई तनख्वाह नहीं मिलती है कि वहाँ पे सीधे सीधे उनको फायर कर दिया जाए। जो कॉर्पोरेट नेशंस होते हैं हायरार्की के, कंपार्टमेंटलाइजेशन के, प्रोफेशनलिज्म के, डिसिप्लिन के, अकाउंटेबिलिटी के, ये पॉलिटिकल पार्टीज में आपको जल्दी नहीं दिखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नीचे के तबके के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ऊपर का लीडर कितना कैरिज्मेटिक है, किस हद तक अपनी पावर को कंसोलिडेट कर सकता है, ये सब बातें बहुत मैटर करती है। नो डाउट आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज में कॉर्पोरेटाइजेशन, प्रोफेशनलाइजेशन आ रहा है, पर बहुत हद तक पॉलिटिकल पार्टीज प्राइवेट कंपनी से बिल्कुल अलग है। ठीक है भाई, फिर अगला आर्टिकल, अनहैप्पी न्यू ईयर। इस पर्टिकुलर साल के पहले हफ्ते में जम्मू एंड कश्मीर के डांगरी इलाके में दो बच्चों को मार दिया गया, ब्रूटल एक्ट हुआ टेररिज्म का। घर में लोग घुस गए, तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। 1 जनवरी को 4 सिविलियंस की मौत हो गई, 10 लोगों को चोट आ गई। फिर 15 घंटों के अंदर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस फटा एक विक्टिम के घर के बाहर, 2 माइनर्स की मृत्यु हो गई, 5 लोगों को चोट लग गई। पिछले एक साल में अगर आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर रीजन में जो माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी, इसके ऊपर अटैक हुआ और अब ये अटैक जम्मू में भी होता नजर आ रहा है। ओके, ये कुछ कुछ 16 साल पहले जैसी याद है, लेकिन 16 साल पहले चीज़ें अलग थी। आज की डेट में सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट ये हमको पता है कि चूंकि जम्मू एंड कश्मीर का इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ लगता है और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट लगातार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, बहुत सारी इस प्रकार की एक्टिविस्ट को पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जेएंडके का इलाका कहीं ना कहीं थिएटर ऑफ वायलेंस बन रहा है। 2022 में अगर आप देखो तो मल्टीपल इनकाउंटर्स हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कुडोज टू देम, बहुत सारे मिलिटेंट्स को मारा है, लेकिन लगातार ये मिलिटेंट्स गीदड़ों की तरह नीचे से माइनॉरिटीज को मार के लोगों के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार इसके लिए क्या करे? सरकार के ऊपर यहाँ पे प्रेशर है भाई, टेक्निकली प्रेशर तो हो गई। तो सरकार ने बोला कि भाई विलेज डिफेंस कम्युनिटीज को रिवाइव करो। 1995 में इस विलेज डिफेंस कम्युनिटीज को मनाया गया था 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन में, उन इलाकों में मिलिटेंट्स के साथ फाइट करने के लिए जहां पे आर्मी की प्रेजेंस थोड़ी कम है। ठीक है, अब ये विलेज डिफेंस कम्युनिटीज कितनी एक्टिव होंगी, ओवरऑल कितनी ताकतवर होंगी, वो लेट से सरकार जब नियम कानून बनाएगी तब पता चलेगा। जेएंडके में 2022 में 29 सिविलियंस की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स लोकल हिंदूज हैं। मल्टीपल प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट को यहाँ पे लाने की जरूरत है, लोगों को अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जेएंडके में 2018 से, उसको भी यहाँ पे लाने की जरूरत है ताकि वो लोगों के साथ एसोसिएट करके लोगों का भरोसा जीत पाए और इस प्रकार के
अटैक्स जहाँ पे लोगों की जान चली जाती है, अनफॉर्चुनेटली ये थोड़े कम हो। फिर रिसेंटली रशिया ने एक 36 घंटे का सीज फायर किया। व्लादिमीर पुतिन ने डिसीजन लिया कि 36 आवर का सीज फायर होना चाहिए इन द फ्रंट लाइन विद यूक्रेन। ठीक है भाई, तो 7 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेट होगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के द्वारा, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यूक्रेन में भी रहते हैं और आपका रशिया में भी रहते हैं। तो भाई यहाँ पे 36 घंटे का सीज फायर लगा दिया गया। अब यूक्रेन ये बोल रहा है कि रशिया इसलिए सीज फायर लगा रहा है क्योंकि रशिया की मिलिट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है, तो वो अपने आप को रीआर्म करना चाहते हैं, रीप्लेनिश करना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे सीज फायर लगा रहे हैं। लास्ट ईयर के 24 फरवरी से ये जंग यहाँ पे चली जा रही है, ठीक है ना। मिस्टर पुतिन ने जो सीज फायर लगाया है ये ओवरऑल पीस का साइन नहीं, वीकनेस का साइन बनाया जा रहा है। रिसेंटली यूक्रेन ने 89 सोल्जर्स रशिया के मार दिए इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ मकीवा। इसको लेके रशिया के अंदर लोगों को गुस्सा भी बहुत आ गया कि यार इतने बड़े तादाद में उनके सोल्जर्स मर रहे हैं। ठीक है, जो बाखमुत नाम का शहर है, ईस्टर्न शहर, वहाँ पे पिछले 6 महीनों से लगातार यूक्रेन रशियन फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहा है। शुरू में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, रशिया ने बहुत सारा यूक्रेन का इलाका कब्जा लिया। धीरे धीरे करके यूक्रेन अपने बहुत से इलाके वापस ले रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल खार्किव ओब्लास्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, ये लड़के यूक्रेन ने वापस ले लिया। साउथ में जो खेरसोन शहर था जो पहले रशिया ने कब्जा लिया था, ये लड़के यूक्रेन ने वापस ले लिया। तो बहुत सारे बैटलफील्ड सेटबैक्स यहाँ पे रशिया को देखने को मिले। जनरल सर्जे सुरोवकिन जो कि नए कमांडर रशिया के बिहाफ पे, इन्होंने बोला कि काम करो, डोनेट्स का इलाका पूरे ढंग से कब्जा लो। ये लोग यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। यूक्रेन में बहुत सी जगहों पे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पावर और वाटर सप्लाईज करोड़ों के यूक्रेनियंस के पास नहीं पहुंच रही। सोचिए इतनी ठंडी में यूक्रेनियंस के पास एनर्जी सप्लाई नहीं, बोल रहे उनके घर पे हीटर नहीं चल रहे, गर्म पानी उनके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा, कितनी परेशानी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूक्रेन बकल डाउन नहीं कर रहा है, यूक्रेन यहां पे लड़ता जा रहा है और यूएस जर्मनी पीछे खड़े हैं, वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेज रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन इतना लंबा इसलिए टक गया रशिया के सामने क्योंकि पीछे से जो मिलिट्री क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सप्लाई आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, मिस्टर पुतिन के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर है और इस आर्टिकल में लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन सब चीज़ों के चलते एक एमिनेंट न्यूक्लियर स्मॉल स्केल अटैक का चांस बनता है अगर पुतिन के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर पड़ गया और पुतिन को लगा कि भाई हारती हुई सी उसकी सिचुएशन नज़र आ रही है, तो छोटे लेवल पे एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर सकता है और वो अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी यूएस, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज ने अल्टीमेटम दे दिया रशिया को कि आप न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल करिएगा, बट नोबडी नोस जब इंसान प्रेशर में आ जाएगा। और वैसे भी पुतिन जैसा आदमी जो वैसे ही मरने वाला बीमारी से, तो वो क्या कर दे भाई, भगवान मालिक है। तो बस हम यही होप करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। गुड बाय।